पुशअप्स एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और जो कोई भी अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता है वो तो पुशअप्स तो लगाता ही है, लेकिन मैक्सिमम बंदे पुशअप लगाने के तरीके में बहुत से छोटे छोटे गलतियां करते हैं जिसके वजह से उनका चेस्ट सही तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। ऊपर से उनको एल्बो पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, शोल्डर इंजुरीज हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो चार कॉमन मिस्टेक जो मैक्सिमम बंदे करते हैं पुशअप लगाने के टाइम पे, और उन गलतियों को हम कैसे सुधारेंगे, सही टेक्निक क्या है पुशअप लगाने के लिए ताकि आपका चेस्ट मसल सही से ग्रो करें और आपको इंजुरीज भी ना हो, आपका शोल्डर हेल्थ और एल्बो हेल्थ अच्छा रहे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो फर्स्ट मिस्टेक है वो है भाई एल्बो एंगल। बहुत से बंदे जब पुशअप लगाते हैं उनका बॉडी एंड उनके एल्बो के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहता है जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है और सही नहीं है, क्योंकि इस एंगल में आपका चेस्ट मसल्स पूरी तरह से स्टिमुलेट नहीं होते हैं। ऊपर से जो ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा स्ट्रेस गिरता है ना वो गिरता है शोल्डर जॉइंट्स के ऊपर। अगर आप 45 डिग्री एंगल पे पुशअप्स लगाएंगे तभी जाके आपका ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट मसल्स फाइबर एक्टिवेट होंगे जैसे आप अभी देख पा रहे हैं। तो आपको कभी भी 90 डिग्री एंगल में पुशअप्स नहीं लगाना है। जो सही तरीका है वो है भाई 45 डिग्री एंगल। हमेशा आपको 45 डिग्री एंगल पे ही पुशअप्स लगाने हैं। जो सेकंड मिस्टेक है वो है भाई हैंड ओरिएंटेशन। बहुत से बंदे क्या करते हैं पुशअप लगाने के टाइम पे अपने हाथ को अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं जो कि बिल्कुल भी सही टेक्निक नहीं है। इससे होता क्या है ना, आपके एल्बो जॉइंट के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस गिरता है और आपका एल्बो इंजर्ड होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि भाई आप अपने हाथ को हमेशा सीधे ही रखें, आगे रखें, अंदर की तरफ मोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जो थर्ड मिस्टेक है वो है आपका बैक पोजिशन। बहुत से बंदे ये करते हैं कि भाई उनके बैक को बहुत जल्दी नीचे ड्रॉप कर लेते हैं, मतलब कमर को नीचे लेके चले जाते हैं, चेस्ट ऊपर रह जाता है। ये सही तरीका नहीं है। इससे होगा क्या, आपका कमर को इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है और आपका चेस्ट मसल्स भी सही से एक्टिवेट नहीं हो पाता है। सही तरीका क्या है, आपका बैक को आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे रखना है और आपके चेस्ट को आपको नीचे लेके जाना है, तभी आपके चेस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स एक्टिवेट हो पाएंगे और आपका चेस्ट अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। जो फोर्थ मिस्टेक है वो है भाई स्पीड। अगर आप किसी पुशअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो टाइम पे आप बहुत जल्दी जल्दी पुशअप लगा रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि वो आप कभी कभी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलरली यही प्रैक्टिस करते हैं तो फिर भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे आपका चेस्ट मसल अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा और ऊपर से आपके एल्बो एंड शोल्डर को इंजुरी होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सही तरीका क्या है, आपको हमेशा स्लोली रिपीटेशंस लगाने हैं, जैसे कि आपको 3 सेकंड में नीचे जाना है, 2 सेकंड में ऊपर उठना है। अगर आप स्लोली परफॉर्म करेंगे पुशअप्स को तो आपका चेस्ट मसल्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होगा और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुँच पाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।